गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीजीटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू है, पार्ट फाइव है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वन बाय जेड टू द पावर फोर, वन बाय माइनस जेड टू द पावर फोर, वेयर जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा है जीरो वेयर जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या ये फंक्शन जो है एफ जेड है इज नॉट एनालिटिक एट जीरो जीरो। सेकेंड में बी है, लिमिट जेड इज जेड टेंस टू जीरो एफ जेड एग्जिस्ट। सी में है, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। और डी में है, कुची रीमन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट जीरो जीरो। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन सा जो है इसका आंसर्स होगा। तो ये नेट का टाइप का क्वेश्चंस है, नेट का ही क्वेश्चंस है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछ सकता है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए कलर चेंज कर ले फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हमारे पास फ्रेंड क्वेश्चन है कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो, ठीक है। और ये फंक्शन जो दिया है ई टू द पावर माइनस यहाँ पे दिया है एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस वन बाय जेड टू द पावर फोर, ठीक है फ्रेंड। हो गया ये। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, If we approach z to 0 along x-axis, है ना, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे जीरो जेड टू जीरो एक्सिस के अलोंग, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे देखते हैं। जब एक्स एक्सिस ले लेंगे यहाँ पे, तो जेड इक्वल टू क्या ले लेंगे, आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लिमिट आर टेंस टू जीरो ई टू द पावर वन बाई आर टू द पावर फोर, ठीक है फ्रेंड, इक्वल टू लिमिट यहाँ माइनस है, इसको माइनस कर देंगे, लिमिट आर टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा वन बाई ई वन बाई आर टू द पावर फोर, ठीक है फ्रेंड। और ये हो जाएगा जीरो। जीरो कैसे हुआ, इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और इसका पावर इन्फिनिटी, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू जो है जीरो आ गया। दूसरा देखेंगे हम लोग, बट इफ वी अप्रोच जेड टेंस टू जीरो अलोंग वाई इक्वल टू एक्स, देन
limit r tends to 0 e to the power 1 by r to the power 4 minus, और यहाँ पे हम लोग e to power pi i ले लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिमिट r टेंस टू 0 और e इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 1 बाय r टू द पावर 4। नेक्स्ट देखते फ्रेंड, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंस टू सॉरी यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट जेड एफ जेड क्या कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं फ्रेंड, आगे है यहाँ दो ऑप्शन शो कर गया, ठीक है। अब तीसरा में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी, ठीक है। तो यू प्लस एक्स प्लस आई वाई 4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसको, ये हो जाएगा ई एक्स माइनस आई वाई पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आई 4 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये 4 हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 4 है ना। तो यहाँ पे देखेंगे फिर यू एक्स वाई e टू दी पावर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर हो जाएगा माइनस एक्स पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4, ठीक है फ्रेंड। और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस फोर एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 4, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ से देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और भी के फॉर्म में ये टूट जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस यहाँ हो जाएगा
एक्स का पावर फोर प्लस वाई का पावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर फोर। ठीक है फ्रेंड, साइन फोर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर फोर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यू एक्स जीरो जीरो लेकर के देखते हैं, तो यहाँ पे लिमिट क्या मिलेगा, एक्स टेंस टू जीरो लेंगे तो यू यहाँ पे एक्स मिलेगा और वाई जीरो हो जाएगा, माइनस यू क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड, यहाँ पे एक्स मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स का पावर फोर है, ठीक है, बाई फोर सॉरी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यू वाई, यहाँ पे जीरो जीरो ले लेंगे, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिमिट वाई टेंस टू जीरो ले लेंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स जीरो होगा वाई होगा माइनस यहाँ पे फिर u जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा y, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा लिमिट y टेंस टू जीरो और e माइनस वन वन बाई वाई का पावर फोर बाई वाई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका वी एक्स, है ना, वी एक्स लेते हैं जीरो जीरो। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वी एक्स जीरो माइनस वी जीरो कॉम जीरो जीरो और फिर यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स टू द पावर फोर बाई एक्स, तो इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह वी वाई कर लेंगे हम लोग और ये जीरो जीरो हो जाएगा, लिमिट वाई टेंस टू जीरो वी जीरो वाई माइनस वी जीरो जीरो बाई वाई, तो यहाँ पे भी आपका उसी तरह होगा, लिमिट वाई टेंस टू जीरो और e टू दी पावर माइनस वन बाई वाई टू दी पावर फोर बाई वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड, लोगों ने क्या क्या देखा, यू एक्स जीरो जीरो इक्वल टू वी वाई जीरो जीरो एंड यू वाई जीरो जीरो इक्वल टू माइनस वी एक्स जीरो जीरो। ठीक है, therefore कुची रीमन रीमन इक्वेशन जो है आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाउ एफ डैश जीरो इज लिमिट जेड टेंस टू जीरो और यहाँ पे हो जाएगा एफ जेड माइनस एफ जीरो। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या हो जाएगा, जेड, तो यहाँ पे देखिए लिमिट जेड टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस वन बाय जेड टू द पावर फोर। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो इसको हम लोग जेड टेंस टू जीरो लिए हैं, इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। नाउ जेड टेंस टू
जीरो, तो ये हो जाएगा अलोंग फोर, देन एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट आर टेंस टू जीरो, ठीक है, ई माइनस वन बाय आर टू दी पावर फोर ई माइनस पाई आई बाय आर ई टू दी पावर आई पाई फोर, ठीक है फ्रेंड, टेंस टू क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एफ डैश जीरो है ना डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि लिमिट आ गया है, ठीक है, हेंस एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, ठीक है फ्रेंड, एट जीरो। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है टू आज के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन टू है कि इफ एफ जेड एफ जेड इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी वेयर यू इक्वल टू यू एक्स वाई एंड भी इक्वल टू भी एक्स वाई, ठीक है फ्रेंड, इज एनालिटिक फंक्शन देन अंडर द अंडर व्हाट कंडीशंस अंडर व्हाट कंडीशन u x y and v x y cut orthogonally each other, ठीक है फ्रेंड। इसका ऑप्शन है फर्स्ट में कि u x y जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, b में क्या है फ्रेंड, b में है u x y और भी इसमें कांस्टेंट होगा एंड भी एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, सी में क्या है कि यू एक्स वाई जो है वेरिएबल है एंड भी एक्स वाई भी वेरिएबल, सी में क्या है यू एक्स वाई अगर कांस्टेंट है बट भी एक्स वाई क्या है वेरिएबल है, डी में क्या है फ्रेंड कि यू वाई इक्वल टू टू थाउजेंड ट्वेल्व है एंड भी एक्स वाई इक्वल टू है टू थाउजेंड थर्टीन,
ठीक है फ्रेंड, तो कलर चेंज करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कहता है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग को पता है कि कोई भी फंक्शन जो है एनालिटिक होता है एंड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, हेंस यू एक्स इक्वल टू वी वाई हो जाएगा एंड वी वाई इक्वल टू माइनस यहाँ पे यू हो जाएगा बट फ्रेंड, हेंस यू एक्स इक्वल टू वी वाई, ठीक है, एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ठीक है फ्रेंड। नाउ इफ यू एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी वन मान लेंगे इसको, ये हम लोग से नेट लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं फ्रेंड, इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं फिर क्या है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यू जो है यहाँ पे डी एक्स और यू जो है वाई डी वाई इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो हम लोग को पता है देयर फोर एम वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और ये होता है सी वन, ठीक है, ये आपको पता होगा, टेंजेंट का हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे माइनस डी यू बाई डी एक्स है ना, डेल डेल यू डेल एक्स और यहाँ पे डेल यू डेल वाई, ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग वन मान लेंगे। अगेन फिर देखते हैं, अगेन भी एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट इक्वल टू इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हो जाएगा वी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, देयर फोर एम टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई डेल वाई बाई डेल एक्स और ये हो जाएगा सी टू इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, यहाँ पे डेल एक्स हो जाएगा फ्रेंड और ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसको हम लोग टू मान लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इसको देर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, ठीक है, आपको पता है एम वन एम टू इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन होता है, हम लोग को पता है ये, ठीक है फ्रेंड। तो एम वन एट एम टू करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए इसमें जो है मिलेगा हम लोगों को एम वन एम टू करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को ऑर्थोगोनल मिलेगा, क्या मिलेगा, हेंस एम वन एम टू करेंगे तो माइनस वन मिल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हेंस
uxy एंड vxy, ठीक है, आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। देयरफोर यू एक्स वाई इक्वल टू 2012 एंड भी एक्स वाई इक्वल टू 2013 आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।